सी एन जी सिलेंडर जो कंपनी फिटेड होता है उसके बाद इसकी बूट में काफ़ी नेग्लिजिबल जगह बचती है, 8 साल में ओवरऑल चल गई है ये 5 लाख किलोमीटर। एंड बिल्कुल भी इसके आरपीएम में फ्लक्चुएशन नहीं है जो एक ज़्यादा चली हुई गाड़ी के आरपीएम में जनरली इंजन में रहता है। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ सिलेरियो 2015 मॉडल। ये है कंपनी फिटेड सी एन जी VXI मॉडल सिलेरियो का। एंड अगर 2023 में कोई ये फर्स्ट जनरेशन बाय करना चाहता है तो अंडर 3 लाख गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में आपको मिल सकती है। ये इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसका ओनरशिप रिव्यू, इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स, अगर आपको 2023 में गाड़ी लेनी चाहिए बेस्ट ऑप्शन है या नहीं। प्लस में ये गाड़ी की खास बात यह है कि ये 5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। सो वीडियो में बने रहे लास्ट तक, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की इस वीडियो में जुड़े हैं हमारे साथ संजय अंकल जो कि आपको गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देंगे। सो अंकल कैसे हैं आप? भैया जी ओके। सो अंकल मुझे ये बताइए, मैंने जनरली देखा है कमर्शियल व्हीकल्स में लोग LXI या BS वेरिएंट प्रेफर करते हैं, सो आपने VXI प्रेफर किया, इसका कोई रीज़न? रीज़न यही है, इसमें फंक्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं फीचर्स, और चलाने में भी इजी रहती है और कस्टमर के लिए भी इजी रहती है। उसने डोर खोलना हो तो अपने पास से खोल सकता है, ठीक है ना। सो मतलब यही रहता है कि जैसे LXI में आपको बाहर से काम कराना पड़ता है, इसमें मिल जाता है आपको कंपनी फिटेड काम ही सारा, तो कोई इशू नहीं। जैसे आप फॉर एग्जांपल कि चारों विंडोज इसमें वो होती है पावर, तो आप आगे से कंट्रोल कर सकते हो, अनलॉक डोर का उससे कर सकते हो। ओके सो अंकल मुझे बताइए आपको कितना टाइम हो गया गाड़ी लिए हुए अभी? मेरे को हो गए 8 साल। अच्छा, आपको 8 साल हो गए, तो 8 साल में जैसे आपने कितना किलोमीटर चला दी होगी गाड़ी? ये 8 साल में ओवरऑल चल गई है ये 5 लाख किलोमीटर। अच्छा, 5 लाख काफ़ी मतलब बड़ा नंबर होता है। सो इसका मतलब आपने मतलब पूरी गाड़ी ढंग से यूज़ कर लिया। सो अब मतलब कब तक चलाने का प्लान है इसको, या आप सेल आउट करना है? नहीं, गाड़ी अब सेल आउट करनी है ये। अच्छा, तो आप रिसेंटली आप मतलब सेल आउट कर लोगे इसे? हाँ। क्योंकि वैसे भी सो जैसे आपने इतना टाइम चला ली गाड़ी, तो ये आप CNG पे चलाते होंगे, तो इसकी CNG की एवरेज वगैरह क्या रहती है और कितने किलो का सिलेंडर इसमें रहता है? 12 किलो का सिलेंडर रहता है इसमें, और एक सिलेंडर पे नॉन AC चल जाती है ये 230-240 किलोमीटर। सो 230-240 आप सिटी का कह रहे हैं, हाईवे का? हाईवे कह रहे हैं? का। अच्छा, हाईवे का। और हाँ। जैसे सिटी में अगर विदाउट एसी चलाएगा बंदा, विदाउट तो? एसी चलाएगा सिटी में तो वही आ जाएगी 200 के लगभग। हाँ। में ओके। एंड जैसे AC पे चलाते तो यही कितना इम्पैक्ट करता है AC पे एवरेज? AC पे कर देता है, लोकल में चलाओगे तो आप वही करेगी 140 से 160 के लपेट में। ओके ठीक है ना, और इसी को हाईवे पे ले जाओगे तो 80 भी दे देगी, 180। ओके, बाकी सिटी में भी सेम रहता है। हाँ। ओके सो मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे अभी तक आपने इतना टाइम चला दिया, इतना गाड़ी चला दी, तो उसमें कोई मैकेनिकल काम वगैरह आया गाड़ी में अभी तक? मैकेनिकल तो इंजन का काम करवाया मैंने, वही 3 के लपेट में। अच्छा, 3 लाख किलोमीटर चलाने पे। ओके। इंजन का काम करवाया। सो आपने इंजन का कंपनी से कराया था या बाहर से कराया? बाहर से ही करवाया था। सो इंजन के काम में मतलब आपको कितना लग गया इसका कॉस्ट वगैरह? इंजन के काम में लगा था मेरे को 22 से 24 हज़ार। सो इंजन का काम करने के बाद आपको कुछ गाड़ी में डिफरेंस फील हुआ जैसे दोबारा इंजन बंधा तो? नहीं नहीं, डिफरेंस तो कोई फील नहीं हुआ, पिकअप वगैरह सब सेम है। ओके, एवरेज वेवरेज भी सब सेम है? सेम ही है। ओके सो बात करें क्लच प्लेट की जो कि कॉमनली जाती है गाड़ियों की, सो अभी तक आपने ये गाड़ी इतनी चला दी, तो क्लच प्लेट कितनी बार आपने चेंज कराई? क्लच प्लेट मैंने अब तक एक ही बार चेंज कराई है, जब इंजन करवाया था ना उसी टाइम पे चेंज करवाई। तो मतलब आपने 5 लाख में एक ही बार क्लच प्लेट चलाई? सो मतलब ये लाइक मारुति की गाड़ियों की ड्यूरेबिलिटी है या आपके मतलब? एक आदमी के चलाने के ऊपर भी है कि हाँ भी एक एक आदमी अगर इसको चलाता है तो अपने हिसाब से चलाएगा, और इस पे इसी गाड़ी पे अगर 3 या 4 ड्राइवर चेंज हो जाएंगे तो हाँ, वो तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, बहुत फर्क पड़ता है। सो बात करें टायर की, वो बहुत ही कॉमन चीज होती है, तो टायर के आपने कितने सेट लगवा दिए होंगे अभी तक इसमें? मैंने 5 सेट लगवा दिए इसमें अब तक। और इसका टायर प्रोफाइल लाइक स्विफ्ट के जितना ही होता है लाइक आर? हाँ, 14 नंबर का ही होता है, मतलब प्रोफाइल भी सेम होती है। 65-70-14 और उसका होता है 65-80-14, मतलब गाड़ी की नॉलेज है आपको काफी। ओके सो बात करें इसकी और चीज़ों की, तो मतलब जैसे 8 साल आपने गाड़ी चला दी, तो इसमें आपको कुछ फील होता है जैसे मारुति की गाड़ियों की चद्दर हल्की बताते हैं लोग? सो हाँ, वो चीज़ तो खैर है कि मारुति की गाड़ियों की चद्दर बहुत हल्की है, उस जंग बहुत जल्दी आ जाता है इसके अंदर, आदमी कहीं अगर हाथ रख के भी खड़ा हो तो दब जाती है गाड़ियाँ। बट वो ये इन गाड़ियों की माइलेज वगैरह अच्छी है तो तभी लोग इनको प्रेफर करते हैं। माइलेज और वो मेंटेनेंस थोड़ी और गाड़ियों से सस्ती बैठती है, इस वजह से आदमी मारुति की गाड़ियाँ पकड़ता है। तो जब आपने 2015 में गाड़ी ली, आपको भी पता होगा मारुति ऐसा है, तो आपने कोई और गाड़ी देखी थी या मतलब आपका क्या वो था? नहीं, मारुति की ही देखी थी, स्विफ्ट डिजायर वगैरह ये सब देखी थी, लेकिन उस टाइम पे कंपनी फिटेड आ नहीं रही थी ये स्विफ्ट। स्विफ्ट डिजायर या नॉर्मल वाली स्विफ्ट?
नॉर्मल वाली स्विफ्ट। अच्छा नॉर्मल वाली स्विफ्ट हम देगी। सो मतलब कंपनी फिटेड, तो फिर आपको तो सीएनजी पे ही चलेगी कमर्शियल में, तो हाँ आपने फिर कमर्शियल में सीएनजी बाहर से लगवानी थी या कैसे? बाहर से उस टाइम लग रही थी सीएनजी, यहाँ तो कोई गवर्नमेंट का रूल आया था ऐसा कि भी कमर्शियल में स्विफ्ट पे सीएनजी नहीं, बाहर से फिटेड पास नहीं होगी। ओके तो फिर इसमें कंपनी फिटेड पास आ रही थी सीएनजी। ओके तो बाकी इसमें उस समय लाइक वैगनार भी चलती थी एक गाड़ी, रिट्स भी चलती थी। हाँ चलती थी, लेकिन इसका वैगनार से स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है तो इस वजह से। अच्छा बाकी मैंने देखा है वैगनार में एलएक्सआई मॉडल में ही लाइक सीएनजी लगी हुई आती है उसमें, अब तो कंपनी देने लगी वीएक्सआई में भी। सो इसमें वीएक्सआई में ही कंपनी फिटेड सीएनजी थी, तो यही मतलब था आपका रीज़न जो आपने करी। प्लस मारुति में थोड़ा एवरेज वेवरेज होता है अच्छा, तो इसलिए आपने मारुति की गाड़ी प्रेफर करी। ओके सो ओवरऑल मतलब सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। सो और कोई आज चीज़ जिसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, इसका नेगेटिव पॉजिटिव जो आपको लगता है उस गाड़ी में हो? नेगेटिव इसका यही है कि सस्पेंशन इसका इस गाड़ी का बहुत हल्का है। आप साल में एक बार अगर कमर्शियल पे चलाते हो गाड़ी तो साल में एक बार सस्पेंशन जरूर मतलब करवा, जिसका हैवी रन है तो उसका सस्पेंशन काम इसका साल में साल आएगा में ही एक आएगा। बार जरूर आता है इसका। ओके हाँ बाकी जैसे अगर आप इसको हाईवे वगैरह पे ले गए हो तो ये गाड़ी रोल बॉडी रोल वगैरह करती है जैसे झूलना इधर जैसे? वो तो खैर हल्की गाड़ी है ही, अगर साथ में से अगर कोई बस चली जाए ना तेज, इससे तो धक्का सा फील होता है, धक्का सा फील होता है। ये थोड़ा है बट वही है कि अब 1000 cc का इंजन है, थोड़ा 945 kg का वेट है, तो थोड़ा बहुत फील होता ही है। सो अंकल अगर कोई 2023 में सेलेरियो फर्स्ट जनरेशन लेना चाहे, हालांकि अभी डिसकंटिन्यू हो गई पुरानी मिलेगी क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन चल रही है आजकल, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं 2023 में अगर कोई लेना चाहे तो? लेना चाहे तो बढ़िया ऑप्शन है इसके लिए तो मारुति की गाड़ियाँ, एवरेज वगैरह अच्छी एवरेज रहती है वगैरह अच्छी इनकी, होती बिल्ड है, क्वालिटी थोड़ी सी मेंटेनेंस लो होती है बट वही है हाँ मेंटेनेंस वगैरह भी थोड़ा सही रहता है। सस्ती पड़ती है। ठीक है, और दूसरा इस गाड़ी के अंदर जो गैस भरवाने का सिस्टम है सिस्टम होता है नोजल, वो नोजल अंदर ही होती है, और अच्छा आजकल और गाड़ियों में ये होता है कि बाहर है, डिजायर जैसे वगैरह डिजायर में बाहर है डिजायर में है, स्विफ्ट में है, अगर वो ढक्कन कोई निकाल के ले जाए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। स्टार्ट नहीं हो पाती, तो वो चीज़ उन्होंने एक माइनस पॉइंट दे रखा है। बाकी इन गाड़ियों में तो कवर है, उसमें सेफ भी रहता है थोड़ा सा। जैसे कभी कहीं सुनसान वगैरह में जाओ कोई निकाल दे तो ये फिर पेट्रोल पे भी स्टार्ट नहीं होती ना, उसके बाद अगर जैसे वो निकल जाए हाँ नॉर्मल वो निकल जाए तो स्टार्ट नहीं हो पाती गाड़ी। तो वो थोड़ा रिस्की साइड रहता है, तो इस हाँ चीज़ इस गाड़ी में ये थोड़ा सेफ पॉइंट है कि ये वो अंदर सेफ रहता है। रहता है थोड़ा सा। ओके सो ठीक है, अब ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इस गाड़ी का, बाकी मैं आपको बताता हूँ कैसा है इसका रिस्पॉन्स वगैरह। गाइस सीएनजी सिलेंडर जो कंपनी फिटेड होता है उसके बाद इसकी बूट में काफ़ी नेग्लिजिबल जगह बचती है, आप देख सकते हैं जैसे अंकल ने यहाँ एक मयूर जग रखा हुआ है ये, और थोड़ा बहुत आपका लाइक लैपटॉप बैग वगैरह ही आ सकता है। सो ऐसा रहता है और ये 12 किलो का सिलेंडर रहता है इसमें सीएनजी में, सो इतना स्पेस मिलता है आपको सीएनजी। बाकी पार्सल ट्रे के ऊपर आप रख सकते हो सामान जैसे रखना हो, बट हैवी सामान रिकमेंडेड नहीं होता पार्सल ट्रे पे। सो गाइस आप देख सकते हैं गाड़ी अभी रीडिंग शो कर रही है 214,000। अंकल ने जब इसका इंजन का काम कराया था तो उसको बैक करवा दिया था, तो उसके बाद ये चल गई 214। सो अभी ओवरऑल गाड़ी चल गई है 514,000 करीब। आप देख सकते हैं गाड़ी अभी ऑन है, एसी भी ऑन है इसका, एंड बिल्कुल भी इसके आरपीएम में फ्लक्चुएशन नहीं है जो एक ज़्यादा चली हुई गाड़ी के आरपीएम में जनरली इंजन में रहता है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं है। बाकी मैं इसका एक ड्राइविंग टेस्ट लेता हूँ और देखते हैं कैसा रहता है। सो जैसे कि अंकल मैं देख रहा हूँ उसमें गियर शिफ्टिंग करने में थोड़ा सा ये आवाज़ सी आ रही है, तो ये नॉर्मल रहता है मतलब क्योंकि इतना चल हाँ गई गाड़ी? इन गाड़ियों में रहता है ये वाला। ओके मतलब जैसे कि स्लॉट्स वगैरह में, पर गियर सही लग रहा है पर थोड़ी सी आवाज़ कर रहा है वो। बाकी पिकअप विकअप भी अच्छा है गाड़ी का, लाइक सीएनजी पे काफ़ी अच्छा उठ रही है ये 1000 cc में आती है, 67 bhp की पावर एंड 90 Nm का टॉर्क देती है गाड़ी। सो ओवरऑल गाड़ी में ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे इतनी ज़्यादा चल रखी होगी गाड़ी, अभी भी बहुत स्मूथ चल रही है। अलाइनमेंट वलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह भी आप टाइम पर कराते होंगे तो वो भी काफ़ी हाँ अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है इसमें। बाकी मारुति की थोड़ी सी ब्रेकिंग बंदे कहते हैं लो साइड है, तो आपको ऐसा फील हुआ कभी कि लो साइड लगती है मारुति की ब्रेकिंग वगैरह? नहीं ऐसा फील नहीं हुआ। बाकी सीएनजी एंड पेट्रोल पे मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी मैं इसको पेट्रोल पे करूँगा तो कुछ डिफरेंस ऐसा फील नहीं हो रहा, दोनों का मतलब पिकअप वगैरह सेम है। जनरली सीएनजी की गाड़ियों में लैग आ जाता है बट इसमें सीएनजी और पेट्रोल में कोई लैग नहीं है। सो ओवरऑल गाड़ी ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें रहता है लाइक खड्डों में ये खटखट खटखट करती है, तो ये तो हाँ बिल्ड क्वालिटी का ही होगा थोड़ा बहुत, गत्ते वगैरह इसके बचते हैं, कुछ दिनों बाद ही बजने शुरू हो जाते हैं। वो तो विद टाइम जैसे अगर 8 साल हो गए गाड़ी को तो। खैर कमर्शियल में ज़्यादा होता होगा क्योंकि गाड़ी बहुत चलती है, कोई प्राइवेट लेगा तो उसमें इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि प्राइवेट गाड़ी चलती बहुत कम, कम चलाता है हाँ वो बंदा। गाड़ियाँ चलती कम है। सो ओवरऑल गाड़ी का एक्सपीरियंस अच्छा है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी इसका अच्छा है, मतलब ऐसा कोई फील नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं मैंने स्टीयरिंग छोड़ भी रखा है, गाड़ी अभी भी सीधी जा रही है। सो ओवरऑल गाड़ी का एक्सपीरियंस अच्छा है, सो आप ले सकते हैं गाड़ी, मतलब अच्छा ऑप्शन है अगर आपका बजट 3 लाख तक का है
गाड़ी बहुत अच्छी है, मतलब एक नॉर्मल यूजर फैमिली यूजर के लिए। पीछे का लेग रूम स्पेस, हेड रूम स्पेस भी अच्छा है, आप देख सकते हैं मैंने ऑल द वे पीछे करके, पीछे भी काफ़ी जगह बचती है इसमें। तो ओवरऑल गाड़ी 2023 में अगर कोई फर्स्ट जनरेशन प्लान करे सो अच्छा है। बाकी कमर्शियल के लिए भी अच्छी गाड़ी है ये, क्योंकि इसकी एवरेज वगैरह अच्छी है, मेंटेनेंस साइड लो है, सो ओवरऑल इट्स रिकमेंडेबल। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सिलेरियो के बारे में काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होगी। एंड अगर 2023 में कोई फर्स्ट जनरेशन सिलेरियो प्लान कर रहा है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। विद CNG आपको कम्फर्टेबल CNG मिलती है और एवरेज भी काफ़ी अच्छा है इसका, मेंटेनेंस वगैरह भी लो साइड है, थोड़ा सा इसका बिल्ड क्वालिटी का रहता है। तो मारुति वाले यूज़र जनरली अगर जिनको एवरेज चाहिए तो बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।